हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सीको सीए आईपीसीसी। सीपीटी के एग्जाम बहुत नियर है, 17 दिसंबर से हमारे एग्जाम्स हैं, तो ये वीडियो उन एग्जाम वाले बच्चों के लिए है। और प्लीज इसे अपने जूनियर्स के साथ शेयर कर दें, और या फिर आपके छोटे भाई बहन अगर सीपीटी कर रहे हैं तो उनके साथ प्लीज शेयर करें इनको आगे। मेरे फ्रेंड आज हमारे साथ प्रेजेंट है करण मित्तल, उनके भी सीपीटी एग्जाम में बहुत अच्छे मार्क्स आए थे और नाउ ही इज डूइंग आईपीसीसी। So he will guide students how to score very much good marks, मतलब 150 plus भी score कितनी अच्छे से, बस इन 7 दिनों में कैसे अच्छे से अच्छे marks score कर लें। चलो आइए सीखते हैं। Over to you, Karan. Hello friends, how are you? I am Karan, Karan Mittal, and I am here to help out all the CACPT students. So friends, how to crack CPT easily? Friends, this is our motive. एंड फ्रेंड्स, हमारे 17 दिसंबर को एग्ज़ाम है, तो हमारे पास सेवन टू एट डेज हैं ओनली टू स्टडी इफेक्टिवली। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले सीपीटी में जो मेन इशू रहता है वो है मैथमेटिक्स का। हम मैथमेटिक्स पर बात करेंगे, बट अभी स्टार्ट करते हैं हम कि स्टडी कैसे करनी है एक्चुअली। सो फ्रेंड्स, जो स्टडी करने का क्राइटेरिया है, आपको स्टडी स्टार्ट कैसे करनी है फ्रेंड्स, सबसे पहले तो ये कि आप भूल जाइए सब कुछ। इन 7 दिनों में जोश इतना बना लीजिए अपने दिमाग में कि कुछ भी आए आंखों के सामने कुछ नहीं देखना, सिर्फ स्टडी एंड स्टडी बिकॉज। और भूल जाइए 12th क्लास को, क्योंकि आप सीए कर रहे हैं। एंड बी प्रोफेशनल, बी सिंसियर, ओके। मतलब ये की रोल है किसी भी चीज़ को करने के लिए, नॉट ओनली फॉर सीए सीपीटी, ओके फ्रेंड्स। सो फ्रेंड्स, बात करते हैं हम सब्जेक्ट्स की। पहले आया हमारे पास लॉ, देन अकाउंट्स, देन हमारे पास आता है इकोनॉमिक्स, उसके बाद मैथ्स। सो फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं कि स्टडी करनी कैसे है, स्टार्ट कैसे करनी है फ्रेंड्स। सबसे पहली बात तो ये कि इस वक्त ये मेरी अजम्पशन है कि आपकी कोचिंग सारी खत्म हो चुकी है, या जिन्होंने सेल्फ स्टडी की है वो एक बार अपना सारा सिलेबस कंप्लीट कर चुके हैं, एक बार एटलीस्ट कर चुके हैं। देन अब आपको 7 to 8 डेज में स्टडी कैसे करनी है, सारा का सारा आईज के आगे गो थ्रू करना है, रिवाइज करना है, रिटेन भी करना है, एंड एग्जाम ओरिएंटेड भी बनना है। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम उठाते हैं लॉ। फ्रेंड्स, लॉ इज वेरी इजी सब्जेक्ट, इजी टू इजीएस्ट, जैसे मतलब बहुत इजी सब्जेक्ट, इजी टू स्कोर गुड मार्क्स इन लॉ, वेरी इजी फ्रेंड्स। एक इंटेलिजेंट बच्चा इजीली 37 to 38 मार्क्स इजीली स्कोर कर सकता है लॉ में, एंड एवरेज स्टूडेंट्स इजीली 30 मार्क्स अप्रॉक्स कर सकता है, बहुत इजीली कर सकता है फ्रेंड्स। क्योंकि लॉ में जो क्वेश्चंस आते हैं एज इट इज़ उठकर आ जाते हैं, जो आपने नॉर्मली अपने कोचिंग इंस्टीट्यूट में स्टडी किए होते हैं, अपने मॉड्यूल्स में होते हैं, जो हमें ICAI मॉड्यूल्स प्रोवाइड करता है, 30 सैम्पल पेपर्स, इन पास्ट ईयर क्वेश्चंस भी आपको बहुत हेल्प करते हैं। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले जो मेरी रिकमेंडेशन है, आप उठा सकते हैं, स्टडी कभी भी आप करें तो हमेशा कॉम्बिनेशन बना के करें, चंक्स बना लें सब्जेक्ट्स के, सिर्फ एक सब्जेक्ट ना करें। जैसे कि आपने उठाया, पहले आप उठा सकते हैं अकाउंट्स प्लस लॉ। सो फ्रेंड, अकाउंट्स प्लस लॉ उठाने से आपको बेनिफिट होगा कि आप सारा टाइम लॉ नहीं पढ़ सकते, बिकॉज लॉ इज़ वेरी थ्योरी सब्जेक्ट, एंड थ्योरेटिकल सब्जेक्ट में क्या होता है कि हम पढ़ते पढ़ते पागल हो जाते हैं और ये सोचने लग जाते हैं कि यार अब ये थ्योरी पढ़ते पढ़ते लर्न करते करते रटते रटते हमारा दिमाग ना बिल्कुल अजीब सा हो जाता है बिल्कुल। तो हम पहले उठाते हैं अकाउंट्स, जो हमारा फेवरेट सब्जेक्ट है सीए में, एक्चुअली हम सीए कर रहे हैं तो अकाउंट्स तो बेस्ट होना ही चाहिए, देन लॉ। तो हम मॉर्निंग से लेके इवनिंग तक, मॉर्निंग टू आफ्टरनून और मे बी इवनिंग, हम अकाउंट्स कर सकते हैं। अकाउंट्स भी बहुत मार्क्स स्कोरिंग सब्जेक्ट है, अकाउंट्स एंड लॉ दोनों। एज यू नो वेल कि हमारा पहले अकाउंट्स एंड लॉ दोनों का एग्ज़ाम होता है, देन उसके बाद जो हमारा ब्रेक के बाद होता है तो वो हमारा इकोनॉमिक्स एंड मैथ्स का होता है। सो फ्रेंड्स, हमने पहले उठाया अकाउंट्स एंड लॉ, अब अकाउंट्स को इवनिंग तक कीजिए, उसके बाद अब 3 से 4 घंटे एटलीस्ट लॉ को दीजिए अच्छे वाले। सो फ्रेंड्स, अब स्टडी करनी कहाँ कहाँ से है, ये तो हो गया टाइम शेड्यूल। हमारे पास मैक्सिमम 7 डेज हैं, बट मैं आपको बताऊँ तो 4 दिन बहुत है,
मैक्सिमम है सारा का सारा सीपीटी रिवाइज करने के लिए, बट आपके पास फिर भी 7 to 8 days अभी है, तो फ्रेंड्स अपॉर्चुनिटी है, ग्रैब कर लो। तो फ्रेंड्स बात आई अकाउंट्स की, अकाउंट्स प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है सारा, कुछ भी थ्योरी नहीं है एक्सेप्ट थोड़ी बहुत चीज़ें जैसे कि आपका कंपनी अकाउंट्स एंड पार्टनरशिप एंड ऑल, ये सब थोड़ा थोड़ा वो आप लॉ में भी स्टडी कर लेते हैं। सो फ्रेंड्स आपको स्टडी करना कहाँ से है, पहली बात तो ये, अगर आपने सेल्फ स्टडी की है, अगर आपने सेल्फ स्टडी की है तो आपको आईसीआई के जो मॉड्यूल्स मिले हैं सैम्पल पेपर्स, आपके पास 30 सैम्पल पेपर्स अभी हैं फ्रेंड्स, ये सबसे बड़ा की है कि आपको ये जरूर करने ही करने हैं, मतलब ये लायबिलिटी है आपके पास कि अगर एग्जाम अटेम्प्ट करने जा रहे हो तो ये तो आपको करने ही करने हैं, क्योंकि ये एक्चुअली हर किसी के पास अवेलेबल है, और दूसरी बात आईसीआई ने प्रोवाइड किए हैं तो कुछ सोच कर ही प्रोवाइड किए होंगे। ओके फ्रेंड्स, देन ये हो गया आपके सैम्पल पेपर्स आपको जरूर करने हैं। उसके बाद अगर आपने कोचिंग ली है तो आप अपने कोचिंग के नोट्स नोट्स ज़रूर गो थ्रू कीजिए, क्योंकि आपके जो कोचिंग इंस्टीट्यूट हैं वो बहुत एक्सपीरियंस होते हैं, वो एग्ज़ाम ओरिएंटेड भी होते हैं, तो अपने हिसाब से वो नोट्स बनाते हैं, सारे प्रिपेयर करते हैं फ्रेंड्स, वो मार्क्स में आने की बहुत उम्मीद होती है वो क्वेश्चंस, क्योंकि इस वक्त हमें जो पढ़ना है वो कॉन्सेप्चुअली पढ़ना है, बट इस वक्त कॉन्सेप्चुअली बहुत कम पढ़ना है, क्योंकि हम अभी एग्ज़ाम ओरिएंटेड होने वाले हैं, हमें एग्ज़ाम के लिए पास करना है, क्योंकि अभी हमारे पास टाइम बहुत कम है फ्रेंड्स, हार्ड वर्क करना है और स्मार्ट वर्क भी करना है। ओके देन उसके बाद मेरी एक छोटी सी रिकमेंडेशन फ्रेंड, एक स्कैनर नाम की चिड़िया होती है, स्कैनर, यस स्कैनर, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, अगर स्कैनर आपके पास अवेलेबल है या कोई अभी अरेंज कर सकता है कैसे भी, फ्रेंड से लेके ऑर्डर कर कर इनसे मंगवा कर खरीद कर कैसे भी, तो स्कैनर को आप ज़रूर कीजिए, एक बार ज़रूर कीजिए स्कैनर को, वैसे अभी टाइम कम है बट अगर आप कर चुके हैं तो आपको कुछ सोचने की ज़रूरत ही नहीं है, और अगर आपको अभी नहीं किया है और आपके पास आपको लगता है कि अभी आप कैपेबल हैं और अभी आपके पास टाइम भी है थोड़ा, तो स्कैनर को ज़रूर गो थ्रू कीजिए फ्रेंड्स, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बट फ्रेंड्स इसका मतलब ये नहीं है कि स्कैनर अगर नहीं किया तो बहुत बड़ी आपके पास आफत आने वाली है, ऐसा कुछ भी नहीं है फ्रेंड्स, भूल जाइए, बिकॉज ये सैम्पल पेपर्स जो 30 सैम्पल पेपर्स हैं एंड आपके कोचिंग नोट्स, ये मोर देन सफिशियंट है, यस मोर देन इनफ, अगर आप ये भी कर जाएं तो वेरी गुड मार्क्स आप स्कोर कर सकते हैं। स्कैनर उन स्टूडेंट्स के लिए हैं जो बार बार सैम्पल पेपर्स करके या नोट्स करके थक चुके हैं, कुछ नया स्टार्ट करना चाहते हैं या कुछ नया उठाना चाहते हैं, या फिर जिन्हें इन इन दो चीज़ों को करने के बाद भी अभी डाउटफुल लग रहा है कि यार अभी ये थोड़ा कम है, ये इतना कंटेंट नहीं है, थोड़ा ज़्यादा होना चाहिए, तो वो लोग स्कैनर उठा सकते हैं। सो फ्रेंड्स ये जो क्राइटेरिया है ये सारे सब्जेक्ट्स के लिए है, इवन इवन इट इज़ लॉ, अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स और मैथमेटिक्स फ्रेंड्स। देन हम बात करते हैं लॉ की, यस लॉ भी आप इसी तरह से प्रिपेयर कर सकते हैं, अपने नोट्स, आईसीआई मटेरियल एंड स्कैनर आल्सो इफ अवेलेबल, ओके ओनली, एंड पैनलाइज होने के लिए ज़रूरत नहीं है कुछ भी। हेलो सो फ्रेंड्स हम अब आते हैं मैथ्स एंड इको इकोनॉमिक्स पे फ्रेंड्स। अब मैथ्स को, मैथ्स सुन के आधे बच्चों को डर लग जाता है, मुझे भी लगता था जब मैं सीपीटी में था, बट फ्रेंड्स मैथ्स कुछ भी नहीं है यार, कुछ भी जिसे कहते हैं, मैं आपको बहुत इजी एक इजी तरीका बताता हूँ फ्रेंड्स। फ्रेंड्स मैथ्स का जब हम एग्ज़ाम अटेम्प्ट करते हैं उसमें एटलीस्ट 10 मार्क्स के, यस 10 to 12 मार्क्स के, बल्कि मैं कहूँगा 12 मार्क्स के एटलीस्ट थ्योरी क्वेश्चंस आते हैं, जो थ्योरी क्वेश्चंस आपकी आंखों के सामने आपने सीपीटी की सिलेबस करते वक्त, तैयारी करते वक्त आपने डेली वो स्टडी किए हुए होते हैं, बट फिर भी आप उन्हें एग्जाम में स्किप कर जाते हो बिकॉज ऑफ लैक ऑफ कंसंट्रेशन, मतलब किसी भी वजह से आप उन्हें स्किप कर जाते हो, और जो आपको पास कराते हैं बहुत ईजिली पास कराते हैं फ्रेंड्स, उन थ्योरी क्वेश्चन को करना कहाँ से है, वही आईसीआई के सैम्पल पेपर्स एंड मॉड्यूल्स फ्रेंड्स, वहीं से आप उन्हें कीजिए। मैक्सिमम 30 सैम्पल पेपर्स हैं, 30 सैम्पल पेपर्स के अंदर मैक्सिमम मेरे ख्याल से 120 के अराउंड थ्योरी क्वेश्चंस हैं, बट उनके अंदर अगर आप उनको रिपीटेड क्वेश्चंस को हटाकर देखोगे, कंक्लूड करके देखोगे, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा 60 to 70 क्वेश्चंस मिलेंगे। वो क्वेश्चंस मैं एग्ज़ाम टाइम में रट कर गया था, बिल्कुल टिप्स पे रट कर गया था, जिसमें से कम
10 मार्क्स का आया था और मैंने इजीली 7 to 8 मार्क्स उसमें स्कोर कर लिए थे। 7 to 8 मार्क्स स्कोर करने का मतलब फ्रेंड्स पता है ना, उसके बाद बचे कितने, मैक्सिमम 7 मार्क्स और बचे जो आपको और स्कोर करने हैं, जो आपको और स्कोर करने हैं अभी। वो मार्क्स आप इजीली स्टैट्स में और मैथ्स में आप कर सकते हैं स्कोर, जो आपको बहुत हेल्प करने वाला है। मैथ्स आपने इतने टाइम से स्टडी किया है, 12th में भी किया है, देन एंड स्टैट्स वेरी इजी सब्जेक्ट जो बहुत हेल्प करेगा आपको मैथ्स के लिए। फ्रेंड्स मेरा की रोल यही है कि आपको थ्योरी क्वेश्चन ज़रूर पढ़ने हैं, जो बच्चे प्रैक्टिकल में थोड़ा कमज़ोर हैं वो थ्योरी क्वेश्चन पढ़े हैं और ईजिली स्कोर कर सकते हैं। देन अब हम आते हैं ईको। ईको फ्रेंड्स आपने 12th में बड़े अच्छे से स्टडी किया है, आप चैंपियन हैं ऑलरेडी उसमें, तो उसके लिए मैं कुछ कह नहीं सकता, ज़्यादा कुछ कहने के लिए है भी नहीं। सो फ्रेंड्स ईको आप नॉर्मली स्टडी कीजिए अपने नोट्स के साथ एंड ठीक है एंड सैम्पल पेपर्स। उसके बाद बस इकोनॉमिक्स बहुत इजीली आप कीजिए स्टडी, कोई दिक्कत नहीं है। ओके फ्रेंड्स और मोटिवेटेड रहिए फ्रेंड्स। अब आपको स्टडी जो है करनी है, ऐसा नहीं है कि रायता फैला के रखना है पूरे टाइम तक, बस करते रहना है स्टडी करते रहना है, मतलब स्टडी को ज़्यादा टाइम तक लगाना नहीं है, ज्यादा टाइम नहीं लगाना हमें स्टडी में। स्टडी कितने दिन में? और एक और बात दोस्तों, इसको तुम्हें अकाउंट्स एंड लॉ प्लस आपने जो इकोनॉमिक्स एंड मैथ्स किया है, इसको कम से कम 4 डेज में खत्म कर दे। जो आप 7 डेज का एक टारगेट लेके चल रहे हैं लास्ट डेज का, 4 डेज इनफ फॉर दिस ऑल सब्जेक्ट्स। नाउ आपके पास बचे बस 3 दिन। 3 दिन को दोस्तों, पहली बात इन 4 दिनों को और इन 3 दिनों को लोगों को कहने पे मत जाएं। अकाउंट्स एंड लॉ आप 2 दिन में खत्म करें, इकोनॉमिक्स एंड मैथ्स 2 दिन में खत्म करें। अब टीचर्स के, किसी फ्रेंड के, मम्मी पापा के कहने पे मत जाएं, अपने हिसाब से प्लान करें, क्योंकि 12th आपने करी है, ये आपका करियर है, आपकी सीए है। तो 3 दिन में अच्छी तरह प्रिपेयर करें, मुश्किल सब्जेक्ट पहले उठा लें, मुश्किल को एक और बार दोबारा लास्ट में रिवाइज कर लें, इजी पार्ट को बीच में से कर लें। बस 3 दिन में अच्छी तरह इन चारों सब्जेक्ट्स को अच्छी तरह करना है दोस्तों। लास्ट डे अपना अच्छी तरह मेहनत करनी है, अपना अच्छी तरह रिवाइज करना है, अच्छे से अच्छे मार्क्स आपकी जेब में होंगे दोस्तों, मार्क माई वर्ड्स। एंड सो फ्रेंड्स बाय एंड गुड बाय, और हमेशा मोटिवेटेड रहिए और हमेशा अच्छे मार्क्स आप स्कोर कर सकते हैं। एंड ऑल द बेस्ट एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर द एग्जाम्स। ओके फ्रेंड्स ऑल द बेस्ट। ओके बाय फ्रेंड्स।